हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो एवरीवन, मेरा नाम है रुस्तम और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे छोटे से प्यारे से रुस्तम नामक यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बेंगलोर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। अगर आप लोगों को जानकारी के लिए बताऊं कि ये चिड़ियाघर बेंगलोर में किस जगह पर पड़ता है, तो इस जगह का नाम है बनरघट्टा। तो आज मैं आप लोगों को जो बेंगलोर में स्थित है चिड़ियाघर, उसका टूर कराने वाला हूं और अंदर जाकर दिखाने वाला हूं कि अंदर क्या क्या चीज है। ये जो आप लोगों को हमारे पीछे देखने को मिल रहा है ना, ये है टिकट घर और आप लोग वहाँ पर जाकर टिकट ले सकते हो। अगर टिकट के बारे में आप लोगों को जानकारी दूँ तो भाई साहब, यहाँ पर हर किस्म की टिकट मिलती है। जैसे कि आप बस से सफ़र करते हो तो बस का अलग चार्ज लगता है, और अगर आप लोग जो छोटी गाड़ी होती है उससे सफ़र करते हो तो उसका अलग चार्ज लगता है। तो अभी हम लोग बस और गाड़ी से सफ़र नहीं करने वाले हैं, अभी हम लोग पैदल सफ़र करने वाले हों। अगर आप लोग सफ़र पैदल करना चाहते हो तो सिर्फ आप लोगों को मात्र 100 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो अभी मैं जाकर टिकट घर से टिकट लेके आया हूँ। यहाँ पर देख लो, हम लोग हैं 4 लोग। यहाँ पर देखो 400 रुपये हम लोगों ने पे किया है। तो अभी मैं प्रवेश कर चुका हूँ भाई साहब चिड़ियाघर के अंदर। तो चिड़ियाघर के अंदर जैसे आप लोग आओगे ना तो आप लोगों को कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं अभी अंदर पहुँचा ना तो आप लोगों को सामने देखने को मिल जाएगा जेबरा, घोड़ा भी है, उसके बच्चे भी हैं यहाँ पर। ये देखिए, सब हो जाएगा। जैसे मैं अभी आप लोगों को जेबरा वाला घोड़ा दिखाकर आगे की तरफ आता हूँ ना, तो यहाँ पर आप लोगों को जिराफ देखने को मिल जाएगा। ये जो आप लोगों को सामने जानवर देखने को मिल रहे हैं ना भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा पाया जाता है। तो कमेंट करके बता देना भाई साहब ये कौन सा जानवर है। अगर आप लोगों को नहीं पता चला है, मैं बताऊँ तो हमारे भाषा में इसको बोलते हैं लील गाय। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी छोटे छोटे जानवर हैं। तो आपके भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर अपने छोटे से भाई को बता देना कि भाई हमारे भाषा में इस जानवर को ये चीज़ बोला जाता है। तो अभी मैं आगे जाऊँगा ना तो आगे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा शेर चाचा जो होते हैं ना, तो शेर चाचा का यहाँ पर पिंजड़ा बना गया है। तो आइए दिखाता हूँ। ये भाई साहब आप लोगों को शेर देखने को मिल जाएगा। शेर ही है ना यार? नहीं। ओ शेर चच्चा, चल बोजड़ी के। तो अभी हम लोग जैसा शेर को देख कर आते हैं ना तो यहाँ पर हम लोगों को भालू देखने को मिल जाएगा। ए भालू हम तोर खालू, ए चुप है। जो जानवर स्थित है ना उसके बारे में यहाँ पर भी जानकारी दिया गया है, तो आप लोग नाम भी पढ़ सकते हो। तो आइए दिखाता हूँ कौन से जानवर के बारे में यहाँ पर बोर्ड में बताया गया है। तो ये जो आप लोगों को जानवर देखने को मिला है ना, लिखकर बताया गया है कि इस जगह पर ये जानवर है, तो आप लोग देख सकते हो। जैसे मैं अभी आगे आता हूँ ना तो यहाँ पर हम लोगों को गेंडा भी देखने को मिल जाता है, और इनको रहने के लिए बहुत अच्छे तरीके से घर बनाया गया है। ये देखो, जब इनको खेलने कूदने का मन होता है तो आकर पानी में खेल कूद लेते हैं, और भाई साहब खेलने कूदने के बाद अपने घर में चले जाते हैं। आप लोगों को बोर्ड में दिखा दूं कि कौन सा जानवर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, तो देख भी सकते हो आप लोग और पढ़ भी सकते हो। और ये जो बोर्ड में आप लोगों को दिखाया ना, वो जानवर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और मैं जैसे थोड़ा आगे आता हूँ ना, यहाँ पर हम लोगों को हाथी देखने को मिल जाएगा। भाई साहब जैसे हम लोग आगे आते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोगों को चीता देखने को मिल जाएगा। इनके लिए अच्छा सोने के लिए टेबल बनाया गया है और वो टेबल पर जाकर भाई साहब बहुत आराम से सो रहे हैं। जैसे हम लोग चीता देखकर आते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोगों को लायन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड में लिखा हुआ है, पढ़ भी सकते हो। और जो लिखा हुआ है ना, वो जानवर वहाँ पर लेटा हुआ है, देखो गौर से भाई साहब, टांग उठाकर लेटा हुआ है। इसको काम धंधा नहीं है क्या यार? देख रहे हो, एक यहाँ पर है, एक इसके पीछे घूम रहा है। वो देखो, एक इसके पीछे घूम रहा है, वो है एक। ले भैया, वो भी सो गया। तो अभी हम जैसे लायन और शेर वगैरह देखकर आते हैं ना, तो हम लोगों को सामने बहुत सारे पक्षी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सामने आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, ये पक्षी का पिंजड़ा बनाया गया हुआ है। और यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, तो इस बोर्ड में जानकारी दिया गया है कि कौन कौन से पक्षी इस जगह पर, इस पक्षी के बारे में ना यहाँ पर बोर्ड में बताया गया हुआ है। आप लोग गौर से देखोगे ना, इसकी आंखें आप लोगों को बंद देखने को मिलेगी। ये देखो, लोग गौर से देखना, ये पक्षी है ना, ये पक्षी आराम से भाई साहब सो रहा है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर मुर्गी वगैरह भी देखने को मिल जाएगी। ये बोर्ड में जो लिखा हुआ है ना, ये पक्षी के ही बारे में बताया गया है और वो पक्षी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये इस बोर्ड में लिखा हुआ है इस जानवर के बारे में, तो इसे मैं जंगली जानवर बोल सकता हूँ, जंगली बंदर। यार जाली लगा कर कितनी अच्छी सेफ्टी कर दिया गया है, अगर सेफ्टी ना किए तो भाई साहब ये भाग जाए। बंदर आप लोगों को पता ही होगा कि कितने खतरनाक बंदर होते हैं। वाइट वाला मोर होता है ना, तो वाइट वाला मोर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। भाई साहब ये रहा हमारा मोर पक्षी। ये जो आप लोगों को जानवर देखने को मिल रहा है ना भाई साहब, इस जानवर को खास करके हम लोग टीवी और मोबाइल पर देखते हैं, और आज मैं आप लोगों को एकदम रियल दिखा रहा हूँ। देख सकते हो भाई साहब कितने शांत और स्वभाव के मगरमच्छ होते हैं, कितने शांत बैठा हुआ है। और जब इसके पास शिकार आता है कोई ना, तो शिकार के ऊपर फट्टा से हमला कर देता है। तो अभी मैंने आप लोगों को छोटा छोटा मगरमच्छ दिखा के आया हूँ, और जैसे आगे आता हूँ ना, यहाँ पर आप लोगों को बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो भाई साहब, 2-2.5 मीटर का ये मगरमच्छ होगा। बहुत सारे आप लोगों को ऐसा रंग बिरंगे कछुए देखने को मिल जाएगा। देखो जैसे आगे मैं देख के आ रहा हूँ ना, तो यहाँ पर सांप है, और सांप के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भाई साहब कौन सा सांप है। और जो सांप के बारे में बताया गया है ना, वो सांप वहाँ पर है। देखो माटी का कलर का है, अगर ये सांप माटी में चला जाए ना, तो आप लोग बता नहीं सकते कि ये सांप है क्या है। लेकिन आप लोगों को गौर से दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो, ये देखो जैसा पेड़ है ना, उसी किस्म का ये सांप है। कम से कम एक सांप होगा तो 4 से 5 मीटर का तो पक्का से पक्का होगा। है सांप इधर दिख रहा है, चल रहा है। ये सांप के बारे में ना इस बोर्ड में बताया गया है कि कौन सा सांप है, पढ़ सकते हो आप लोग। और पढ़कर ना ये सांप को देख भी सकते हो कि वही सांप है। ये मस्त तरीके से सोया हुआ है। तो जैसे आप लोगों को आगे एक सांप दिखा के आता हूँ ना, तो यहाँ पर भी एक सांप है और उस सांप के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। जो सांप के बारे में जानकारी दिया गया है ना, वो सांप यहाँ पर है। ये देखो कैसा आ रहा है। देख रहे हो भाई साहब, पेड़ पे कैसा चढ़ा हुआ है सांप। ये जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो।